ये देखो हमारे बैठकर का मौसम, पहले सामने बर्फ वाली पहाड़ियाँ दिखती थी, अब कुछ नहीं दिख रहा ऊपर तक, ठंडा अलग से लग रहा है इधर। अब चलो भैया निकलते हैं इधर से। अब दक्षो एक दे दे यार, एक हड्डी के बच्चे हैं, हड्डी देखते रहे, चार बच्चे हैं यहाँ पे। हड्डी घर वाली कैसी लगी तेरे को? हाउ आर यू ब्रो? राम राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गांव, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना छोटा सा गांव, और हालांकि छोटा सा तो नहीं है, या तो बड़ा सा, बट मैं आपको वहां पे दिखाता हूं। और चलिए रास्ते में मिलते हैं। आज संडे के दिन मार्केट में ट्रैफिक भी बहुत है, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई। ऐसी खूबसूरत रोड आपको सिर्फ पहाड़ों में मिल सकती है, जिसके दाएं बाएं पेड़ हो, बीच में रोड हो एकदम मस्त। और ये हमारे इधर का ये अपना ब्रिज, और सामने पहाड़ी तो देख ही सकते हैं आप खूबसूरत सी। तो कल इधर बारिश पड़ी थी, और बारिश पड़ने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है जी। तो अभी हम पहुंच गए बैरट खाई, अब यहाँ से हम नीचे को टर्न लेंगे गाँव के तरफ को। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बैरट खाई, और यहाँ से कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है, बादल। अभी तो बादलों से भी ऊपर जाएंगे हम इस तरफ को, बट फिलहाल चलते हैं अभी आगे। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो सामने आपको मेरा गांव दिख सकता है राइट साइड में। जाओ गाय माता, साइड हो जाओ। चलो हो गए साइड, अब चलते आगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं गांव, अब चलते हैं ऊपर। मौसम देखिए आप क्या मस्त लग रहा है, और ऊपर हमारा गांव, तो यहां से जाना पड़ेगा अभी हमें ऊपर। चलते अभी, मम्मी और तो चलेगी आगे। ये रास्ता 200 मीटर का होगा कम से कम, पर इस पे ना सांस आपकी ऐसी फूल जाएगी कि जो अच्छा खासा आदमी जिसको सांस की दिक्कत होगी ना, उसकी सांसें भी ठीक हो जाएगी। और उधर हमारा जंगल है पूरा। अभी चलते हैं ऊपर घर पे, फिर मैं आपको अभी अपना घर दिखाता हूँ पहले। तो पहुँच गए हम अपने घर, और ये रही हमारी कोठी। ऐसी कोठी आपने कभी नहीं देखी होगी। चलो मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ, एक ये है बकरी, बाकी उधर है। तो ये मेरे दोस्त, ये हड्डी, हड्डी हजार तू ठीक ठाक, और ये ऋषभ, हड्डी चिल्ला रहा। चल हड्डी मिलते हैं बाद में। और ये हमारा घोड़ा, ओए हेलो बोल सबको। मैं दिखाता हूँ अभी आपको हमारा पुलम का पेड़। पुलम इज लाइक का चेरी, पहाड़ी चेरी कह सकते हो आप। ये फिलहाल अभी सूख रखा, बट अब इस पे जल्दी ही लगेंगे। और ये वाला नाशपति वाला पेड़ है। मौसम तो बादल से ढका रहता पूरा हमारा गांव। फिलहाल अभी चलते सामने मंदिर में। ये हमारे बैल कालू और लालू, बाकी अंदर भी है एक गाय रखी हुई। सामने स्कूल। वैसे विंटर्स में ना अभी पूरा वो बर्फ से था एक डेढ़ महीने पहले, तो वो है सामने हमारा गांव। और ये स्कूल है, इसके पीछे 11 12th का स्कूल है, ये हाई स्कूल है नीचे। तो फैसिलेटेड तो पूरा है हमारा गांव हर चीज़ से। खेत की लाइन देखो आपको पहाड़ में ना ऐसी नीचे तक दिखेगी पूरी की पूरी, खेत की लाइन ही लाइन एक के बाद एक। तो वो रहा ऊपर मंदिर। सामने आपको जो बादल दिख रहे ना, ये पता नहीं आपको इसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बट यहाँ से चलते हुए जा रहे खतरनाक। और ये हमारी फुल्लो रानी, बिल्कुल ऐसे ना वेव्स में चल रही है उधर से बादल, खतरनाक। ये देखो मैं कह रहा था ना ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल मतलब जहाँ तक नीचे तक नजर जाती ना खेतों की लाइन सी लग रही है पूरी की पूरी। तो ये हमारे कुल देवता का मंदिर। इस तरह पड़ता है हमारा जंगल, सामने जो आपको दिख रहा ना पूरा का पूरा,
ये पूरा, और उधर वो हमारी छानी है, मतलब दो है बाकी तो औरों की। सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही ना, हम वहाँ तक अपने बैल वगैरह लेके जाते थे, मतलब ले जाते हैं अभी भी। तो ये है हमारा बगीचा। फिलहाल इनके पत्ते भी झड़ चुके हैं, इनका कुछ सीजन और निकल चुका है, बट अब जब आएंगे अगली बार तो इस पे सेब भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे। और अब वो देखो बादल ना ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, क्या मस्त लग रहा है यार। चलो अब चलते हैं वापसी घर की तरफ। बादल देख रहे हो हमें कितना मस्त लग रहा है ना। तो अभी पहुंच गए घर, अब थोड़ा सा खाना खाएंगे फिर वापसी विकास नगर के लिए निकलते हैं। मौसम खराब हो रहा है इधर भी, और इसको हमारे इधर छिट्टे बोलते हैं जो चूल्हे में जलाने के काम आते हैं। यहाँ पे इसका ढेर लगा हुआ थी, नीचे रख दे। खोल पाए तू तुक है, खोल देती है, खुल जा। ऐसे तोड़ना खुलता है, ऐसे खुलता है बाबू, ऐसे निकालना पड़ता है ना इसको बाहर। हाँ देखा, बस इसको इसको ऐसे कर दे, खुल गया वो। तो अभी लवली बकरी को दे देगी, छोटे वाले को नहीं दे रही है, छोटे वाले को इसको ले तुक। ले चल नांद्रे गाँव में दे, चल 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 छोटे वाले को दे के। वो दक्षु नहीं मारता ये। हाँ कल फिर से जाएगा तू है। तो दक्ष और तो लेके आ गए इनके लिए खाना, तो काम काज जी बच्चे। मैं पर इससे ज्यादा लेके आता था है। तो अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं घर के लिए। पर बादल पूरे आ गए, मस्त लग रहा है पर व्यू। चलो चलते हैं फटाफट से। तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। मौसम तो आप देख ही रहो पीछे।